Hi guys, आज हम डिस्कस करेंगे एमएस वर्ड में थीम्स, कलर्स और फॉन्ट्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली हम जाएंगे डिजाइन टैब के अंदर। डिजाइन टैब में ही हमारे पास तीन पॉइंट्स आने पे हैं। फर्स्ट पे है थीम्स, इसके अलावा सेकंड पे हमारे पास है कलर्स एंड देन है फॉन्ट्स। इन तीनों पॉइंट्स को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थीम्स के बारे में। सबसे पहले हम रिबन को पूरा एक्सपेंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर थीम्स की बात की जाए तो नॉर्मली हमारे पास फर्स्ट पे पॉइंट है थीम्स का, डिजाइन टैब के अंदर ही। इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास थीम्स आ जाते हैं। अब जिस पे भी क्लिक करेंगे तो हमारे पास फॉन्ट जस्ट चेंज हो जाता है टेक्स्ट का। तो अब यहाँ पे हमने जस्ट हेडिंग ले ली, होम टैब में जाके इसे हेडिंग बना दिया, ठीक है। अब थीम अप्लाई करेंगे तो ये हमें प्रॉपर यहाँ पे नजर आएगा। डिफरेंस उसका कलर चेंज हो रहा है, फॉन्ट भी चेंज हो रहा है। तो इस तरह हेडिंग्स, कवर पेजेस या टेम्पलेट्स पे मोस्टली जो है ना थीम्स को यूज किया जाता है। अब इंसर्ट में जाके हमने कवर पेज अप्लाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है। कोई सा भी हम यहाँ से कवर पेज ले लेते हैं। अब कवर पेज पे थीम्स नॉर्मली ज़्यादा वाजी हमें डिफरेंस यहाँ पे नज़र आ रहा होता है। अब ये हमने ले लिया एक कवर पेज, ठीक है। अब अगर हम डिज़ाइन टैब में जाके थीम्स अप्लाई करेंगे तो प्रॉपर हमें डिफरेंस नज़र आएगा। यहाँ पे इसका कलर भी चेंज हो रहा है, इसका फॉन्ट वगैरह भी चेंज हो रहा है। तो नॉर्मली थीम्स, फॉन्ट्स, ठीक है, टेम्पलेट्स, इसके अलावा कवर पेजेस और हेडिंग्स भी मोस्टली अप्लाई किए जाते हैं। अब सेकंड पे बात अगर हम करें, ठीक है, अगर हम नीचे ले लेके जाएं अपने माउस कर्सर को, अब यहाँ पे भी अगर यहाँ पे हम थीम्स अप्लाई करें नॉर्मली इतना डिफरेंस नज़र नहीं हमें आ रहा होता, लेकिन हेडिंग पे प्रॉपर हमें डिफरेंस उसका वाजे नज़र आ रहा होता है। अब सेकंड पे कलर्स की बात की जाए, कलर्स भी मोस्टली टेम्पलेट्स पे और कवर पेजेस पे ही अप्लाई किए जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखें तो हमें कोई डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा। दोबारा से हम कवर पेज पे जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम कलर्स पे क्लिक करेंगे तो हमें प्रॉपर डिफरेंस नज़र आएगा, ठीक है। कलर्स में जितने भी पैनल है उस हिसाब से यहाँ पे कलर हमारा चेंज होगा। तो इस तरह कलर्स को हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसमें कस्टमाइज कलर का ऑप्शन भी होता है, यहाँ पे डिफरेंट कलर्स हम चूज़ कर सकते हैं। अब थर्ड पे है फॉन्ट्स। फॉन्ट्स बेसिकली किसी भी डॉक्यूमेंट का फॉन्ट आप चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे कोई सा भी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसमें ऑफिस होता है, ठीक है। इसके अलावा फर्दर इसमें डिफरेंट फॉन्ट्स आ जाते हैं, आप कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, देन वही आपके डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा होम टैब के अंदर भी हमारे पास फॉन्ट्स का ऑप्शन अवेलेबल होता है, यहाँ पे भी कोई सा भी हम फॉन्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा होम टैब में ही स्टाइल्स के जो ऑप्शन होते हैं किसी भी पॉइंट को हेडिंग वगैरह देने के लिए, तो यहाँ से हम इसे स्टाइल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह बेसिकली डिज़ाइन टैब में तीनों पॉइंट्स को यूज़ किया जाता है। थैंक यू।